अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक पंजाब। तो स्टूडेंट्स, हम ऑटोकैड सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू लैंग्वेज में। तो अब देखें, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्क और रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, ठीक है जी। देखें, क्लाउड का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो क्लाउड, बादल, इसका ऑटोकैड से क्या तल्लक है, ऑटोकैड में इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए, सबसे पहले तो ऑटोकैड को हम स्टार्ट करते हैं, यानी ओपन करते हैं ऑटोकैड को। यस, ऑटोकैड को हम चला गए रन प्रोग्राम, सेटिंग कर लें जैसे कि पहले आपको बताई गई है। शुरू में कर लें, बाद में कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे, ईजी लगे, आसान लगे, वैसे करें। व्यू में जाएं, डिस्प्ले में जाएं, यूसेस आइकॉन को रीजन चेक ऑफ कर दें, यानी नो रीजन कर दें, ठीक है जी। तो देखें, सर्कल, सर्कल के बाद क्लाउड, ठीक है जी। क्लाउड पे आप करते हैं क्लिक और आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें और माउस को घुमाते रहें, तो ये देखें क्लाउड बन गया, ठीक है, ये क्लाउड बन गया। दोबारा देखें, ये क्लिक, अब देखें ये। अच्छा जी, देखिए कमांड खुद बहुत ख़त्म होती है, कैसे, ज़रा जूम करके मैं आपको बताता हूँ। ये क्लिक किया ना, जब ये लगाता रहूँगा तो ये इसका जो लास्ट पॉइंट होगा ना, वो फर्स्ट के पास जाता जाएगा, खुद बहुत वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे और ये कमांड को ख़त्म हो जाए। फिर ये जो आर्क है, इसको आप देखिए पकड़ के इसको काम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये इधर से पकड़ के ये आर्क बनेंगे, ठीक है जी। तो जब आप कमांड लगाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये लगती जाती हैं सारी, जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के पास जाएगा तो बहुत बहुत कमांड खत्म हो जाएगी। अब देखें, दोबारा मैं इसके ऊपर जाता हूं और क्लिक करने से पहले अब जरा नीचे देखें क्या लिखो। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आर, या आर्क लेंथ आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखें आर्क लेंथ, इसके अंदर जो आर्क है उसकी लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कैसे चेंज कर सकते हैं आप इसको, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ए प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड से ए को एंटर करें, ठीक है जी। अब देखें, ए के बाद देखें मिनिमम लेंथ, मिनिमम तो पहले 0.5 आ रही है, तो आप दे देते हैं मिनिमम, जैसे आप देते हैं 4 के बाद आपने एंटर करना है। तो मैक्सिमम यानी कम से कम तो वो 4 है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा उसको 8 कर देते हैं, ठीक है, और एंटर कर दें। उसके बाद आपने क्लिक करना है और देखें पहले से, यानी कि अगर थोड़ा सा ज्यादा आप बड़ी लगाएंगे तो 8 वाली लग जाएगी, कम कम से कम लगा। आते जाएंगे तो वो 4 वाली लगेगी, ठीक है जी। दोबारा देखें इसको जरा, ड्रा में जाएं, सॉरी ड्रा में भी ऐसे आप जाके लगा सकते हैं। ये आपने ए एंटर करना है, कम से कम आप दे देते हैं 6 दे दें और ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम दे दें 8। ये ठीक हो गया जी। अब इसी जूमिंग में दोबारा देखें, ए एंटर, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। अब देखें पहले से छोटा छोटी लग रही है आर्क, ठीक है जी। तो ये फर्क होता है दोनों में। उसके बाद देखें, दोबारा डा में जाएं। अब उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। आप इसमें इधर से आप इजीली कर लें जरा। ऑब्जेक्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी किस्म का, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, मुख्तलिफ, तो उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लगाने के लिए आप देखें सर्कल लगाते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है, तो आप क्लिक करें इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के लिए ओ प्रेस करें, आपने कीबोर्ड से ओ प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक करें, अब देखें ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सामने आ रहा है। रिवर्स डायरेक्शन, यस नो, अब नो कर दें, ठीक है जी। यस क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखें ये उसमें चेंज हो गया, ठीक है। तो देखें, अब मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ऑब्जेक्ट ओ प्रेस किया, क्लिक किया, अगर मैं रिवर्स करता हूँ यहाँ से, यस करता हूँ, तो देखें ये मुड़ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने यस किया तो ये रिवर्स हो गया, यानी अंदर की तरफ आर्कें, अंदर की तरफ आर्क्स लग जाएंगी सारी। अच्छा जी, उसके बाद देखें
रिवर्स व्यू हो गया, रिवर्स के बाद आप देखें स्टाइल आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद स्टाइल आ रहा है, तो आप क्लाउड पे क्लिक करते जाएंगे, तो अब आपने क्या करना है इसको स्टाइल। अब देखें स्टाइल जो है ना एक नॉर्मल स्टाइल है, एक ग्राफी स्टाइल है, ठीक है जी। अब नॉर्मल जैसे आप क्लिक करते हैं ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल स्टाइल में ड्रा हो रही है, तो आप दोबारा क्लाउड पे क्लिक करें, स्टाइल के लिए एस प्रेस करें। अब देखें ये नॉर्मल है, ये कैलोग्राफी है, तो आप कैलीग्राफी पे क्लिक करें। अब ये देखें कैलीग्राफी में आ रहा है, बाकी सेम उसी तरह ड्रा करने का तरीका है। तो आप जब भी आप आर्क लगाएंगे तो वो कैलीग्राफी में लें, क्योंकि आपने उसको स्टाइल सेलेक्ट किया था। नॉर्मल करने के लिए आप एन प्रेस करें, सॉरी आर्क ए एंटर करेंगे तो आर्क, सॉरी आर्क तो हम लगा ही नहीं रहे, सॉरी क्लाउड लगा रहे हैं हम। क्लाउड पे क्लिक किया, स्टाइल नॉर्मल, अब ये नॉर्मल हो गई, ठीक हो गया जी, ग्राफी नॉर्मल ये दोनों। अब देखें ये सारा कुछ तो हमने कर लिया, अब आप सोच रहे होंगे इस्तेमाल कहां पे होता है ऑटोकैड में, ठीक है। देखें इसका इस्तेमाल होता है कि मिस्टेक्स को शो करना, वीक पॉइंट्स को, ठीक है, कहीं गलती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम करता हूं, अब एक बंदा काम करता है, ठीक है, दूसरे बंदे को काम भेजता है, अब वो चेक करता है कहीं से वो उसकी गलती हुई, मिस्टेक हुई या किसी किस्म का वीक पॉइंट, वो उसकी निशानदेही करने के लिए उसके गिर्द ये क्लाउड लगा देगा। अब ये दोबारा उसको ड्राइंग भेज देगा और वो जब चेक करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि यह उनका वीक पॉइंट है। यानी किसी भी गलती या वीक पॉइंट को शो करने के लिए आप क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गलतियों की निशानदेही करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से काम भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।